नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी लोग देख रहे हो वाराणसी का कैंट रेलवे स्टेशन। आप देख रहे हो काफ़ी भव्य कैंट रेलवे स्टेशन लग रहा है। यह वाराणसी का काफ़ी प्रमुख रेलवे स्टेशन है और दूसरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। दोस्तों, इधर जो आप देख रहे हो ना, इधर साइड में आप जो देख रहे हो वहाँ पे, उधर कैंट रेलवे स्टेशन का काफ़ी विस्तार हुआ है। वहाँ पर भी मैं चल के आपको दिखाऊंगा। पहले आप इधर देख लीजिए, मैं आपको प्लेटफॉर्म पे चलने की कोशिश करता हूँ, वहाँ से भी आपको कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। सामने आपको चौका घाट फ्लाईओवर दिख रहा होगा, यहाँ पर भीड़ काफ़ी कम है। जैसा कि आप जान रहे हो कि हमारे देश में कोरोना का प्रकोप बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप देख सकते हो इधर भीड़ आपको काफ़ी कम दिखाई दे रहा होगा, बहुत कम पब्लिक आपको स्टेशन पे दिख रहे होंगे। दोस्तों, मैं प्लेटफॉर्म पे आ चुका हूँ, आप देख सकते हो काफ़ी सफाई आपको दिखाई दे रहा होगा प्लेटफॉर्म पे। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन भारत के सभी रेल मार्गों को जोड़ता है। आप देख सकते हो इधर नीचे काफ़ी सफाई है। दोस्तों, मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुका हूँ, आप देख सकते हो मुंबई, दिल्ली और कोलकाता के बाद सबसे ज़्यादा ट्रेन वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन से ही चलती है। इधर आ चुका हूँ जहाँ पे रेलवे स्टेशन का विस्तार हो रहा है। इधर आप देख सकते हो ट्रैक्टर भी खड़े हैं कुछ, अंदर काफ़ी ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। इधर आप देख सकते हो पानी टंकी है, इसको भी आधुनिक तकनीक से बनाया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर टंकी पर गंगा आरती का चित्रण किया गया है। दोस्तों, अंदर चलने से पहले मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि प्लेटफॉर्म नंबर 1, 6, 7, 8, 9 को एयरपोर्ट की तरह बनाया गया है, एयरपोर्ट की तरह आपको देखने में लगेगा। आइए हम अंदर चल के आपको स्टेशन का विस्तार दिखाते हैं कि कितना ज़ोरों शोरों से अंदर काम चल रहा है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर चल के। लगभग ये तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी फ़ैन लटके होंगे, आपको दिख रहे होंगे मेरे वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, यहाँ पे मज़दूर कोई नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि उन लोग की ड्यूटी लगभग 9 बजे से स्टार्ट होती है और मैं यहाँ पर सुबह 8 बजे ही आ गया हूँ, इसलिए आपको यहाँ पे कोई भी मज़दूर भाई लोग नहीं दिख रहे होंगे। वैसे स्टेशन का विस्तार हो चुका है, आप देख सकते हो बस इधर का चालू करने की देरी है। देख सकते हो लिफ्ट लगाई गई है ताकि लोग आसानी से ऊपर तक जा सकें। इधर देख सकते हैं एक पेड़ भी लगा हुआ है जिसे लगभग काट दिया गया है, अभी जड़ से उसे नहीं निकाला गया है। आप देख सकते हो उसके लिए कुछ गैपिंग ऊपर छोड़ा गया है ताकि वो बढ़े तो ऊपर की ओर जाए, इसलिए वहाँ पे गैपिंग छोड़ दिया गया है। दोस्तों, आप देख सकते हो स्टेशन के पास यहाँ साइड में पाइलिंग का काम चल रहा है, जहाँ पर यहाँ एक पुल का निर्माण होगा जहाँ से लोग पैदल चलने वाले उस पर से आसानी से चले जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हो वाराणसी जंक्शन का इधर साइन बोर्ड लगा है, आप देख सकते हो इधर लिखा है समुद्र तल से रेल की ऊँचाई 76.616 मीटर। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है समुद्र तल से रेल की ऊंचाई है 76.616 मीटर। इधर वाराणसी जंक्शन है, इधर देख सकते हो आप ट्रेन भी काफ़ी खड़े हैं, स्वच्छता का ध्यान काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रखा गया है और जगह जगह दीवारों पर आप देख सकते हो काफ़ी पेंटिंग की गई है ताकि जो दीवार हैं वो खूबसूरत दिखें। आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ट्रेन आपको दिखाई दे रहे होंगे जो यहाँ पे आप देख सकते हो चित्रण किया गया है उसका, और उधर साइड में आगे
बनारस के घाटों की छटा को दिखाई गई है, हम उसको भी दिखाएंगे आपको। पहले आप इधर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे गंगा आरती का दृश्य लगाया गया है जो काफ़ी बेहद मनमोहक है। इधर आगे आप देख सकते हो घाटों को भी यहाँ पे दर्शाया गया है। एक बाबा है जो यहाँ पे नाव चला रहे हैं गंगा में। और इधर आइए, आगे आपको दिखाते हैं बनारस की ऐसी कौन कौन सी तस्वीर है जो यहाँ पर लगाया गया है। इधर आप देख सकते हो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर जो मेन द्वार है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और इधर BHU का कला संकाय फैकल्टी ऑफ आर्ट आप इधर देख सकते हो, ये भी लगा है यहाँ पे। और इसके बाद उधर दशाश्वमेध घाट आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो दशाश्वमेध घाट काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। स्पेशल एक्सप्रेस वाराणसी से चलकर प्रतापगढ़, लखनऊ, मुरादाबाद के रास्ते देहरादून को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 9 पर खड़ी है। इधर ऑटो स्टैंड है कैंट जंक्शन का, देख सकते हैं आप काफ़ी ऑटो यहाँ पे खड़ी है। यहीं पर ही सबकी ऑटो जो है खड़ी होती है, आप देख सकते हो दोस्तों। ये है जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी दिखाया था, ये चौकाघाट फ्लाईओवर है जो कैंट रेलवे स्टेशन के ठीक सामने है दोस्तों। आज से 2 साल पहले इसी की 2 बीम गिर गई थी नीचे, जिसमें दबकर लगभग 15 लोगों की मौतें हो गई थी। आप देख सकते हो काफ़ी भयानक यहाँ पे दुर्घटना हुई थी इस फ्लाईओवर के 2 बीम गिरने से। आज से लगभग 2 साल पहले यह दुर्घटना हुआ था। यही वह चौकाघाट फ्लाईओवर है